नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम से दोस्तों रेलवे के किसी भी लेवल के एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि एनटीपीसी के एग्जाम में तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी एग्जाम होता है रेलवे का, टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया, वहां पे वेन डायग्राम के जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये टॉपिक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो का अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि ये ऑल का फिगर होता है, तो जब भी आपको सभी बोला जाए या ऑल बोला जाए तो इस तरह का फिगर बना दीजिएगा। जब भी आपको सम बोला जाएगा, सम नहीं नो बोला जाएगा, तो इस तरह का फिगर बना दीजिएगा। और जब भी आपको सम बोला जाएगा तो कुछ इस तरह का फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। मतलब कुछ होता है कुछ का ये फिगर बन जाएगा, नहीं का रिलेशन होगा तो ये फिगर बन जाएगा, और यहाँ पे ऑल का रिलेशन होगा, सभी का रिलेशन होगा तो कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो ये यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और इन्हीं पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। अभी देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वेन डायग्राम का, झाड़ू पोछा फर्श क्लीनर। तो यहाँ पे दो टाइप के वेन डायग्राम को आपको देखने को मिलेंगे। ये तो सिंपल है, ये आसानी से आप बना सकते हैं, इन्हें भी आपको वेन डायग्राम से ही बनाना होता है। तो इससे हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन को किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे झाड़ू पोछा फर्श क्लीनर, इनमें आपको क्या करना है ना, एक रिलेशन बनाना है और कौन सा डायग्राम आपका सही होगा, तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा इस चीज को आपको देखना होगा। झाड़ू पोछा ये दोनों क्या है, फर्श क्लीनर है, मतलब एक सर्कल बनेगा, उसके अंदर क्या बनेगा, दो सर्कल बनेंगे, एक में क्या हो जाएगा झाड़ू हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा पोछा हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा क्लीनर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा, मतलब कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने बना लिया। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरह के मजेदार क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बटन पेन कमीज, अब इन सब के बीच में क्या रिलेशन बनेगा ये आपको देखना है। तो बटन किस में होगा, कमीज में होगा, और पेन जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, तो पेन को अलग बना लीजिए और जो हो जाएगा बटन कमीज के अंदर हो जाएगा, ठीक है। बटन आपका कमीज के अंदर हो जाएगा, कमीज मतलब कमीज के को के लिख लीजिए, और ये जो पेन हो जाएगा ये अलग हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया हमने। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि किस तरह का डायग्राम बन सकता है, इन सब के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एक नंबर के देखने को मिलते हैं और ये टाइप 1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में है टीवी कैमरा और ट्रेन। तो देखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टीवी अलग है, कैमरा अलग है, ट्रेन अलग है, तो तीन अलग अलग सर्कल ऐसे करके बनाने होंगे, इन तीनों के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं निकलेगा। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, जानवर जेबरा गेंडा। तो जानवर जेबरा गेंडा, तो इन सब के बीच में क्या रिलेशन होगा देखिएगा, जानवर जेबरा गेंडा मतलब ये दोनों क्या है, जानवर है, ठीक है ना, एनिमल हो जाएगा दोनों, कौन जेबरा भी हो जाएगा, गेंडा भी क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा और ये फिगर आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप इन सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है ये दोस्तों, ध्यान से देखिएगा पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पांचवे क्वेश्चन में पूछा गया कि रेलगाड़ी बस सार्वजनिक यातायात प्रणाली। अब रेलगाड़ी बस और सार्वजनिक यातायात प्रणाली, तो इनमें देखिएगा फिगर कैसा बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां में देखिएगा कैसा फिगर बनेगा। अब देखिए कुछ सरकारी बस भी होता है और सरकारी ट्रेन भी होता है, तो ट्रेन तो गवर्नमेंट हो गया और बस भी कुछ ऐसे होते हैं जो सरकारी होते हैं, मतलब ये क्या हो जाएंगे, सभी के लिए, जो बस होता है सरकारी हो या प्राइवेट हो वो सभी के लिए होते हैं, तो ये सार्वजनिक हो जाएगा, सार्वजनिक ट्रेवलिंग के लिए ये यूज हो जाएगा, ठीक है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसको क्या लिखेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम बोलेंगे, ठीक है। आम आदमी के लिए होता है बस और ट्रेन, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब छठे क्वेश्चन को देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं लिख देता तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। छठे क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिएगा, छठे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोबाइल लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, तो यहाँ पे छठे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा। ये मोबाइल और लैपटॉप अलग है, ये मोबाइल हो गया, ये लैपटॉप अलग हो जाएगा, बट दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर छह के बाद क्वेश्चन नंबर सात को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छह के बाद क्वेश्चन नंबर सात को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर सात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सात को ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है कि बर्तन आभूषण सिल्वर, बर्तन आभूषण सिल्वर, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा क्वेश्चन नंबर सात में। तो आप लोग देखिएगा कि इन तीनों के बीच में कुछ का रिलेशन हो जाएगा, ऐसा हम बना सकते हैं कुछ रिलेशन कि कुछ बर्तन, बर्तन को बी लिखते हैं, कुछ बर्तन सिल्वर के हो सकते हैं और यहाँ ज्वेलरी हो जाएगा, और जो कुछ आभूषण हो सकते हैं वो चांदी के भी बन सकते हैं। तो तीनों में क्या हो जाएगा, कुछ कुछ का रिलेशन हो जाएगा, सिल्वर यहाँ बीच में हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ, तो देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन है, अगर आप सही सोच पाएंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात के बाद क्वेश्चन नंबर आठ, अभी क्वेश्चन नंबर सात अभी हमने देखा, अब क्वेश्चन नंबर आठ देखिए। अब यहाँ उल्टा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कैमरा मेज फर्नीचर। अब कैमरा मेज, मेज जो हो जाएगा वो फर्नीचर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आठ में, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में कैसे बना हुआ है, ऐसा, ठीक है, ये टेबल हो जाएगा और टेबल क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, और कैमरा आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, और इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, आठ तक हमने देख लिया, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन, देखिए पूछा गया यहाँ पे कि मेढक बिजली कुत्ता, तो मेढक सॉरी मेढक बिल्ली कुत्ता, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो तीनों में ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब तीन सर्कल ऐसे करके बना लीजिए, तीनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टेन में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, ढंग से दर्शाता है क्या, शेर घरा जंगल, शेर घरा जंगल, इनमें से कौन सा मतलब सही ऑप्शन है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर दस है, क्वेश्चन नंबर दस में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दस में हो जाएगा कि जो घरा है ना वो अलग हो जाएगा, घरा को क्या लिख लीजिए, जी लिख लीजिए, घरा को जी से दिखा लीजिए, और जो शेर हो जाएगा वो कहाँ रहेंगे, जंगल में, लायन कहाँ रहेंगे, जंगल में रहेंगे, फॉरेस्ट में रहेगा। तो ये कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने देख लिया, अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। और ये सभी रेलवे के क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में पूछे गया, ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गया। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में, नीचे दिए गए वेन आरेखों में कौन सा विधि और संगीत, विधि और संगीत, संगीत और नृत्य, नृत्य विधि और नृत्य, विधि संगीत नृत्य सीखने वाले छात्र को सही ढंग से दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिएगा, कैसे बना हुआ है, कुछ, ये कुछ का फिगर बन गया, ठीक है, ऐसे करके कुछ का बन जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिएगा, और दोबारा से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा गया, नीचे दिए गए वेन डायग्राम में कौन सा विधि और संगीत, मान लीजिए ये विधि हो गया, ये म्यूजिक हो गया, ठीक है, विधि और संगीत, संगीत और नृत्य, संगीत और नृत्य, ठीक है, विधि और नृत्य, विधि और नृत्य, उसके बाद आप देखेंगे संगीत और नृत्य, म्यूजिक और डांस को सही से दर्शाता है सीखने वाले छात्रों को, तो यही हो जाएगा, सब में कुछ ना कुछ का रिलेशन आ जाएगा, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इन तीनों का आपस में क्या है, रिलेशन है विधि का, संगीत का और डांस का, तीनों का आपस में रिलेशन है, तो सब में कुछ ना कुछ का रिलेशन होना चाहिए। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, टाइप आपका चेंज हो जाएगा, और यहां पे मैं लिखूंगा टाइप टू,
और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एनटीपीसी के एग्जाम में जो रेलवे का नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है उस एग्जाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में हो सकता है कि 2-3 नंबर के भी पूछे जाए, बट एनटीपीसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 12 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। अब यहाँ पूछा गया है कि निम्न वेन डायग्राम में कुछ बच्चों की पसंदीदा आइसक्रीम का प्रतिनिधित्व करता है। ए वनीला है, ठीक है, ए वनीला है, मैं यहां लिख लू ए वनीला है, ठीक है। बी क्या है, बी को देखता हूं मैं, ए वनीला है, बी चॉकलेट है, बी चॉकलेट है, ठीक है। और सी क्या लिखा गया, सी पिस्ता बादाम, पिस्ता है, सी क्या है, पिस्ता है, ठीक है, ये तीनों मैंने लिख लिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि आरेख के आधार पर कितने बच्चे आइसक्रीम के एक से अधिक फ्लेवर पसंद करते हैं, कितने बच्चे एक से अधिक फ्लेवर पसंद करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो मैं फिगर बनाऊंगा ना उसमें मुझे समझाना होगा, जैसे ये फिगर बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके फिगर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5, ये तीनों के पास है, मतलब ए बी और सी, ये तीनों पसंद करता है। उसके बाद यहाँ ए और बी एक किस्म के आइसक्रीम, जैसे मान लीजिए कि ये वनीला हो गया, ये चॉकलेट हो गया और ये पिस्ता हो गया, तो ए और बी वनीला और पिस्ता दोनों का ये कॉमन रीजन हो गया। ए और बी में जितने बच्चे हैं ना वो 12 बच्चे हैं ऐसे हैं जो वनीला भी पसंद करते हैं और चॉकलेट भी पसंद करते हैं। 5 वनीला चॉकलेट और पिस्ता तीनों पसंद करते हैं, 10 वनीला और पिस्ता पसंद करते हैं, और यहाँ 15 कौन से पसंद करते हैं, केवल पिस्ता और चॉकलेट पसंद करते हैं। 5 ऐसे बच्चे हैं जो केवल वनीला पसंद करते हैं, 10 ऐसे बच्चे हैं जो केवल ये बी मतलब चॉकलेट पसंद करते हैं, और यहाँ पे नीचे में 10 ऐसे बच्चे हैं जो केवल पिस्ता पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया, अब भी आपका सही आंसर नहीं आया, तो अब आपको क्या करना है, ऐसे बच्चे जो एक से ज्यादा, क्या लिखा गया है, एक से अधिक मतलब मोर देन वन, ठीक है, ये आपको दिख रहा है मोर देन वन यहां मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मोर देन वन कितने हो जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, मोर देन वन सबसे पहले ये 12 हो जाएगा दो आइसक्रीम को, फिर 10 हो जाएगा दो आइसक्रीम को, फिर 15 हो जाएगा दो आइसक्रीम को, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। फिर प्लस में क्या लिखेंगे, ये कॉमन जो 5 सब में कॉमन है, ठीक है, यहां तक आप लोगों को दिख रहा है, इन सबको ऐड कीजिएगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड कीजिए तो यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो 10 22 हो जाएगा, 22 और 15 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 42 ऐसे बच्चे हैं जो कि दो से एक से ज्यादा किस्म के आइसक्रीम को पसंद करते हैं, ठीक है। तो यही आपको निकालना था, तो वेन डायग्राम बहुत ही ज्यादा आसान होता है दोस्तों, आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन अब आने वाले हैं सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे है, टाइप 2 है, ध्यान दीजिएगा ये टाइप 2 है। देखिए दिया गया वेन डायग्राम में, ठीक है, वेन डायग्राम पहले हम बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, ये बना हुआ है, ठीक है। दिया गया वेन डायग्राम में स्टूडेंट कितना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट हो जाएंगे 80। दिए गए वेन डायग्राम में स्टूडेंट कितने हैं, 80 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक समूह की खेल प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, 80 बच्चे अलग अलग खेल को पसंद करते हैं, 3 खेल ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल और सी टेनिस है, कितने छात्र एक से अधिक खेल पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेटा दिया नहीं गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो हम लोग फंस गए यहाँ पे, अगर डेटा नहीं देगा तो हम लोग कैसे बना पाएंगे क्वेश्चन को। तो देखिए जो यहाँ पे अगर हम फिगर बनाए, ऐसे करके, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये 13 बच्चे ऐसे हैं जो केवल ए के पास है, बी के पास कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, ठीक है, और सी के पास कितने बच्चे हैं, सी के पास 10 बच्चे हैं, केवल यही खेलते हैं। मतलब ए जो है वो क्या खेलता है, ए अगर हम ए के बारे में बात करें तो बैडमिंटन खेलता है, यहाँ बी लिख लेते हैं बैडमिंटन खेलता है, और उसके बाद बी क्या खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल, ठीक है, और सी क्या खेलता है, सी खेलता है टेनिस खेलता है। तो 10 ऐसे बच्चे हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं, 13 ऐसे बच्चे हैं जो केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, और 12 ऐसे बच्चे हैं जो केवल बैडमिंटन और बास्केटबॉल जो भी है उसको समझ लीजिएगा। तो ओनली वाला जो बच्चा है ना वो निकाल लीजिए, ओनली वन गेम
वो कितने हो जाएंगे, 13 प्लस में 12 प्लस में 10। ये चीज आपको दिख रहा होगा, 13 प्लस में 12 प्लस में 10 है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, 35 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मोर देन वन निकालना है, तो टोटल 80 है, 80 में से क्या कर दीजिए 35 को घटा दीजिए, तो ये आपका 45 आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 45 के ही ऑप्शन में दिया है, तो बिल्कुल दिया गया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अभी हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 में अंतर है। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। नीचे दिए गए आरेख में फुटबॉल एफ है, हॉकी एच है, उसके बाद यहाँ पे बास्केटबॉल बी, खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाया गया है, तो एफ खेलने फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको दिखाना है। तो फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, फिगर आपको दिख रहा होगा, अब मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा फिगर में, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ फिगर, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लियर ये समझ सके। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 होगा, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। अब यहाँ पे ऐसे करके फिगर बना लीजिए, ठीक है, अब यहाँ पे ये फुटबॉल है, ये हॉकी है और ये बास्केटबॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे 20 हो गया, ऑनली वाला पहले लिख लीजिए, 9 हो गया और 12 हो गया। हालांकि आपको जब भी वेन डायग्राम लिखना होगा तो सबसे पहले ये वाला जो तीनों गेम खेलते हैं उसको लिखिए, तो ये 15 लिखा हुआ है बीच में, इसके ऊपर बोथ वाला 12, उसके बाद बोथ वाला लिखना होता है, और सबसे लास्ट में ऑनली जो मैंने पहले लिख दिया था उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, वेन डायग्राम बनाने का यही तरीका होता है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब पूछा कि एफ खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, फुटबॉल खेलने वाले की संख्या, तो 9 प्लस में 12 प्लस में 15 प्लस में 13, 15 प्लस में 13 सबको ऐड कर दीजिए, 28। ठीक है, 28 प्लस में 12 प्लस में 9 49 हो जाएगा, तो 49 को ही ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने 14 क्वेश्चन को बना लिया और काफी ज्यादा आसानी से बनाया 14 के 14 क्वेश्चन। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, देखिएगा ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को अभी हम फिलहाल हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, दिए गए वेन डायग्राम में 77 छात्रों के समूह में खेल प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व दिया गया है, 3 खेल ए बी सी, कितने छात्र सी और ए खेलना पसंद करते हैं परंतु बी नहीं खेलते हैं। अब यहाँ पे वेन डायग्राम आप सोच रहे होंगे कि कहाँ गायब हो गया, तो यहाँ वेन डायग्राम मैंने दिया नहीं है, तो यहाँ पे मैं वेन डायग्राम बना देता हूँ। दिया गया वेन डायग्राम यही है, ठीक है, जहाँ पे 5 लिखा गया है, जहाँ पे सेम वही वाला है, शायद 12 है यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 15 दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया हुआ है और यहाँ पे 13 दिया हुआ है। ठीक है, इतना डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे नाम दे दीजिए, ये ए के पास चला जाएगा, ये बी के पास चला जाएगा, ये सी के पास, तीसरा सर्कल। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 3 गेम ए बी सी खेलते हैं, कितने छात्र ए और सी खेल खेलना पसंद करते हैं, तो ए केवल ए और सी, ए और सी कितना है यहाँ पे 10 और 13, तो 13 प्लस में 10 कर दीजिएगा, तो आपका सही आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब ये देखिए ऑप्शन में कहीं 23 दिया हुआ है, तो ऑप्शन में आपका 23 दिया होगा ऑप्शन नंबर ए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने हटा दिया यहाँ पे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक वेन डायग्राम आपको बनाया हुआ है और यहाँ पे बताया गया है कि जो पहला सर्कल है वो ग्रेजुएट को दिखा रहा है, दूसरा सर्कल आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिखा रहा है और तीसरा सर्कल आपका प्राइवेट एम्प्लॉय को दिखा रहा है। ठीक है, तो जो वेन डायग्राम दिया गया है कि वेन डायग्राम में किस अक्षर द्वारा उस वर्ग को दर्शाया जा रहा है जो सरकारी कर्मचारी और निजी कर्मचारी है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, आप फिगर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम बना दिया और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको इस जगह देखिएगा, एक जगह टी लिखा गया, एक जगह एल लिखा गया है। ठीक है, और ये जो है ग्रेजुएट पहला, ये जो कौन सा सर्कल, मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक्स वाला है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाला वाई मान लीजिए, और ये क्या है, जेड है।
जेड दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल कुछ इसी तरह बनाया हुआ है। अब यहाँ पे बोला गया है कि सरकारी और निजी कर्मचारी, तो कौन सा सरकारी कर्मचारी है, वाई वाला जो है ना ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई वाई वाला है, जेड वाला जो है निजी एम्प्लॉई है, जेड वाला क्या है निजी एम्प्लॉई है, जेड वाला क्या है प्राइवेट हो जाएगा, जेड वाला क्या हो जाएगा प्राइवेट एम्प्लॉई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सरकारी और निजी एम्प्लॉई भी है, वेन डायग्राम में उस वर्ग को दर्शाया गया है जो सरकारी और निजी एम्प्लॉई भी है। अब जब ग्रेजुएट होगा तभी तो ये तीनों पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा एन, एन क्या है तीनों के पास है, एन क्या है तीनों के पास है, इसका मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी में देखिए एन दिया हुआ है, ठीक है। ये सरकारी एम्प्लॉई भी है और निजी एम्प्लॉई भी है, ठीक है। जब आप शिक्षित होंगे तभी आप जॉब करेंगे ना, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ही ज्यादा आसान है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 17, वेन डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, जरूरत होगा तो मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा। देखिएगा क्या पूछा गया यहाँ पे कि चित्र में, चित्र वेन डायग्राम विद्यार्थियों द्वारा एक कक्षा में खेले गए तीन खेल MNL को दर्शाता है, कुल विद्यार्थी जिन्होंने केवल एक गेम खेला है वो कितने होंगे, केवल एक गेम खेलने वाले, तो ऑनली वाला क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, एम के पास 11 है, एन के पास 41 है ऑनली वाले, और यहाँ पे 18 हो जाएंगे, बस इनको ऐड कीजिए आपका आंसर आपके सामने होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, देखिए तो 70 कौन से ऑप्शन में लिखा गया है 70, तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को हम बनाते हैं यहाँ पे, देखिए सेम क्वेश्चन अभी दिख रहा है, कोई भी अंतर नहीं है। उपयुक्त वेन डायग्राम में उन छात्रों को दर्शाता है जो एक कक्षा में तीन खेल खेलते हैं, मतलब MNL, खेल L खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, जो L खेल है, खेल L खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो क्लियरली लिखा गया 18, देखिएगा क्लियरली देखिएगा कि L खेल खेलने वाले की ना, तो 18 हो जाएगा, प्लस में 7 भी L ही में आ रहा है, 6 भी L वाले आ रहे हैं, 9 भी L वाले आ रहे हैं, ठीक है, जो L खेल खेलते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आप देखेंगे यहाँ पे तो सबको जोड़ दीजिएगा तो 40, मतलब वो पूरा सर्कल निकालना है जो L वाला है, तो L वाले हिस्से में तीन सर्कल है, तीन चीज आ रहा है 7, 6, 9, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं छोटा सा बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह, तो ये पूरा जो शेडेड रीजन है ना ये पूरा एल का था, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया सबको ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा 40, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। तो 18 क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया, चलिए अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को बनाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को, दिए गए वेन डायग्राम में कुल 50 छात्रों को दिखाया गया यहाँ पे, जो तीन विभिन्न परीक्षाओं में ABC में बैठते हैं, सभी कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित होते हैं, इनमें से कितने वास्तव में किसी भी एक परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से कितने वास्तव में कम से कम किसी भी एक परीक्षा में बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूं जिससे आपको इस क्वेश्चन को बनाने में और समझने में काफी ज्यादा सुविधा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने फिगर बना लिया, यहाँ पे 5 तीनों के पास है, यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे ऐसे 12 लिखा गया है, ठीक है। बाकी डेटा आपको नहीं दिया गया, ये ए एग्जाम हो गया, ये बी एग्जाम हो गया, ये सी एग्जाम हो गया, तीन एग्जाम हो गया, इनमें से कितने वास्तव में किसी एक परीक्षा में बैठे हैं, किसी एक परीक्षा में बैठे हैं, ये आपको निकालना है। तो ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, तो ध्यान से देखिएगा। अब ये हम लोगों को नहीं पता है कि वास्तव में ऐसे कितने विद्यार्थी है जो कि केवल ऑनली में आते हैं, मतलब तीनों का ऑनली कंडीशन निकालना है जोड़ के, उसको वही आंसर होगा, बट हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल है 50, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में लिखा गया 50 स्टूडेंट है यहाँ पे, 50 में से क्या करेंगे इन सबको ऐड करेंगे, तो 5 + 10 + 10 + 12, ठीक है। जो बाकी दिया गया है, ये जो बाकी आपको दिख रहे हैं ये मोर देन वन है, क्या है मोर देन वन है, मोर देन वन, तो मोर देन वन का क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे मोर देन वन को ऐड करेंगे और टोटल में से घटा देंगे, बस वही आंसर हो जाएगा। तो 50 में से कितना जाएगा, 50 में से जाएगा यहाँ पे 25, 12, 37 जाएगा, ठीक है। तो 13 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि केवल एक एग्जाम में बैठेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना जाएगा, अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, अगर आपको आएगा तो ही आप आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया, देखिए यहाँ दिया गया कि दिया गया वेन डायग्राम में कुल 50 रोगियों को दर्शाया गया है जिनमें तीन उपचार ए बी सी कम से कम एक का चयन किया, कितने लोग ने वास्तव में एक उपचार का चयन किया। ठीक है, ये चीज आपसे पूछा गया, तो सेम उसी तरह बनाएंगे पिछले क्वेश्चन जैसा, 50 में से क्या करेंगे बाकी सबको जोड़ेंगे और घटा देंगे। तो 50 रोगी है, कम से कम एक है, तो मोर देन जो वन है ना उसको ऐड करके घटाना है, तो चार चार प्लस में पांच प्लस में चार पांच प्लस में चार, तो ये हो जाएगा 18, मतलब 50 में से 32 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 50 में से 18 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 32। अब देखिए ऑप्शन में कहीं 32 दिया गया तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑनली वाला हम लोग को निकालना था। ठीक है, कितने लोगों ने वास्तव में एक उपचार का चयन किया, तो ऑनली वाला इस कंडीशन में निकालना था, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 20 हमने बना लिया, अब 21 देखिए। यहाँ लिखा गया फ्रेंच स्पेनिश और जापानीज उपयुक्त आकृति में उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो तीन भाषाएं पढ़ते हैं, केवल एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। केवल एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये आपको निकालना है, तो टोटल निकाल देना है। यहाँ तो दिया गया है, यहाँ बहुत अच्छा है कि यहाँ 23 विद्यार्थी केवल फ्रेंच बोलते हैं, 32 स्पेनिश बोलते हैं, और जापानी देखे तो 9 जापानी जो है ना जापानी बोलते हैं, तो 23 32 55 और 64 हो जाएगा। देखिए 64 कहाँ दिया गया, 64 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बेसिक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, उपयुक्त वेन डायग्राम में उन छात्रों की को दर्शाता है जो एक कक्षा में तीन खेल MNL खेलते हैं, खेल M खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है, तो M खेलने वाले छात्रों की, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है, M में देखिएगा M में कौन कौन सा नंबर आ रहा है, तो 11 आ रहे हैं, प्लस में 8 आ रहे हैं, प्लस में 6 भी आ रहे हैं, और प्लस में यहाँ देखिएगा 7 भी आ रहा है। ठीक है, तो जितने भी नंबर M में आ रहे हैं सबको ऐड कर दीजिए, तो 14 प्लस में 7 21 और यहाँ 32 हो जाएगा। देखिए तो 32 आपका आंसर दिया हुआ है किसी ऑप्शन में, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में आपको 32 से मिल जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी लेवल में आएंगे और एनटीपीसी में इससे थोड़ा टफ आ सकता है। ठीक है, हम सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। उपयुक्त वेन डायग्राम में उन छात्रों को दर्शाया गया है जो कि कक्षा में तीन खेल MNL खेलते हैं, जो न्यूनतम दो खेल खेलते हैं, ऐसे कितने छात्र हैं जो कम से कम दो खेल, ज्यादा से ज्यादा कितने भी खेल खेलते हैं। तो देखिएगा कम से कम दो खेल वाला 8 हो गया कॉमन वाला, उसके बाद यहाँ 7 देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे 9 हो जाएगा, और तीनों में जो कॉमन है ना, ऐसे जो है तीनों में यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, 6 तीनों में कॉमन है, उसके बाद 8 दो में कॉमन है, उसके बाद 7 और 9, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा जोड़ने पे 16, 16, 6, 22 और 30 ऑप्शन में दिया गया है, तो 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको 30 देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आपको वेन डायग्राम समझ में आता है तो समझ सकते हैं। ये क्या होता है, बोथ वाला रीजन होता है, ये भी बोथ वाला रीजन है, ये ऑल वाला रीजन होता है। ठीक है, ऐसे काटा ऑल वाला रीजन, और ये क्या हो गया, बोथ वाला रीजन हो गया। ठीक है, और ये ऑनली रीजन हो गया, ये रीजन क्या हो जाएगा, ऑनली हो जाएगा, ये रीजन ऑनली हो जाएगा, और ये रीजन क्या हो जाएगा, ऑनली हो जाएगा। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा आप लोग का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि निम्न वेन आरेख में वास्तविक व्यावसायिक प्रशिक्षण EBC लेने वाले 50 छात्रों को दर्शाया गया है। ठीक है, 50 छात्र है यहाँ पे, इनमें से प्रत्येक कम से कम एक प्रशिक्षण में भाग लेते हैं, मतलब एक प्रशिक्षण में सेशन में भाग लेते हैं, तो कितने छात्र, केवल दो लिखा गया, ओनली टू प्रशिक्षण में उपस्थित है, ओनली टू, यहाँ पे आपको क्या निकालना, ओनली टू। ठीक है, ओनली टू वाला देखिए कौन कौन सा है, तो ओनली टू आपको दिख रहा होगा, 4, 5, 4, 4, 5, 4, यही बस ओनली टू है, बाकी सब क्या हो जाएगा,
बाकी सब अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, पांच चार चार, ये 13 हो जाएगा। 13 ऐसे छात्र हैं जो कि केवल 2 प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 को क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि निम्न चित्र में लड़कियों के एक समूह की रंग वरीयता को दर्शाया गया है, ठीक है, दिखाया गया है। वृत्त गुलाबी, मतलब ये फिगर बना लेते हैं पहले, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो चीज लिखा गया है वो शायद हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो वो आप देखिएगा जो लिखा गया है, या लिख भी दूंगा मैं आप यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके हमने बना दिया। अब यहाँ पे P लिखा गया है, यहाँ पे Q लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे U लिखा गया है, यहाँ पे T लिखा गया है, यहाँ पे S लिखा गया है शायद, और यहाँ पे R लिखा गया है, और यहाँ पे V लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वृत्त जो है वो गुलाबी है, जो सर्कल है वो पिंक है, ठीक है, सर्कल जो है वो पिंक है, लिख दिया मैंने, सर्कल पिंक है। त्रिभुज नीला, त्रिभुज क्या होता है, ब्लू, त्रिभुज क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है, त्रिभुज क्या है, ब्लू है, त्रिभुज ब्लू। और आयत सफेद होता है, ये क्या होता है, व्हाइट होता है, ये क्या होता है, व्हाइट होता है, ये क्या होता है, व्हाइट होता है, ठीक है ना, ये व्हाइट होता है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, अब यहां ध्यान से देखिएगा क्या होगा, व्हाइट हो गया। लड़कियों का कौन सा समूह नीले और गुलाबी रंग को पसंद करता है, तो लड़कियों का कौन सा समूह आपको बताना है कि नीला और गुलाबी रंग को पसंद करता है, तो नीला और गुलाबी रंग को कौन सा समूह पसंद करता है, ये आपको निकालना है। तो ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या होगा सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि लड़कियों का कौन सा समूह नीला और गुलाबी, तो इस चीज को मैं लिख लेता हूं, ठीक है, ब्लू एंड पिंक, ब्लू और पिंक को पसंद करता है। अब देखना है कि ब्लू और पिंक कहाँ पे कॉमन है एक साथ, ठीक है, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25। अब आपको देखना है कि ब्लू और पिंक कहाँ पे कॉमन है, तो ब्लू और पिंक देखिएगा, ब्लू यहाँ पे, पिंक यहाँ पे, और वी भी जो आपका है ना वो ब्लू और पिंक के बीच में है, तो यहाँ हो जाएगा पी प्लस में क्यू प्लस में वी। तो ये ऑप्शन आप कहीं खोजिए, ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये ऑप्शन मुझे जहां तक दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, कितने आसानी से आप बना सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ क्योंकि क्वेश्चन लंबा था, बट आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हमने बना लिया, अब हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 को, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। दिए गए वेन डायग्राम में त्रिकोण स्वस्थ लोगों को, त्रिभुज जो है स्वस्थ लोगों को, ठीक है, हम फिगर बना लेते हैं फिर से, यहाँ पे शायद काम आ जाए ये फिगर का, ऐसे दिया हुआ है और ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ये हमने बना लिया, ठीक है, फिलहाल बना लिया। ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, और कुछ 4 दिया हुआ है, तो देखिएगा हल्का सा कहीं गलत हुआ है, ठीक है, ये 4 होगा, ये 4। अब देखिएगा वेन डायग्राम है, त्रिभुज जो है स्वस्थ लोगों को, त्रिभुज जो है हेल्थ को दिखा रहा है, हेल्दी लोगों को दिखा रहा है। आयत जो है बूढ़े लोगों को, मतलब आयत जो है बूढ़े लोगों को, ओल्डर लोगों को दिखा रहा है, ठीक है, आयत। उसके बाद सर्कल पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ये मेल को दिखाता है सर्कल, ये लिखा गया ना, सर्कल पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है। तो स्वस्थ लेकिन बूढ़े लोग की संख्या कितनी है, अब हेल्दी प्लस ओल्डर, तो स्वस्थ और बूढ़े लोगों की संख्या कितनी है, ये आपको निकालना है। तो यही तो काम आना रहा है 3। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वस्थ और बूढ़े लोगों की संख्या, स्वस्थ लेकिन बूढ़े लोगों की संख्या, ठीक है, सर्कल पुरुषों को दिखाता है। अगर मेल पूछ रहा है तो 4 होगा, ठीक है, अगर कुछ भी पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 या 4 कोई एक आंसर होगा, ठीक है, 3 या 4 कोई एक आंसर होगा, बट यहाँ पे मेल और फीमेल के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मेल के बारे में पूछ रहा है कि फीमेल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन हमने देखा है, उसी पे आधारित ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए एक ही वेन डायग्राम को अलग अलग शिफ्ट में पूछा जा रहा है, यहाँ पे 15/11/2018 ग्रुप डी में पूछा गया, और ये ग्रुप डी में पहले भी पूछा जा चुका है। अब यहाँ 3 खेल है, फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल, कम से कम 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर
27 होना चाहिए। तो कम से कम दो खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो दो खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या हम क्या लिखेंगे, लिख लेंगे कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा तीनों खेल। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल 13 लोग खेलते हैं, बास्केटबॉल और हॉकी 12 लोग खेलते हैं, और उसके बाद 14 लोग जो है वो हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 14 लोग जो है हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, और 15 लोग तीनों खेल खेलते हैं, 15 लोग तीनों खेल खेलते हैं। तो इसको क्या कीजिए, जोर के लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 54। यही आपका ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये दिया हुआ है, तो ये बन गया 54। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी आसान था, क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया कि नीचे दिए गए आरेख सेम वही क्वेश्चन है और इसमें पूछा क्या गया है वो देखिएगा। फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले लेकिन हॉकी ना खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है। देखिए ये तो मैंने बना दिया फिगर, यहाँ फुटबॉल हो गया, यहाँ हॉकी हो गया और यहाँ बास्केटबॉल हो गया। अब यहाँ बोला गया कि फुटबॉल और बास्केटबॉल, मतलब ये रीजन कॉमन होना चाहिए, फुटबॉल और बास्केटबॉल बट हॉकी नहीं खेलेगा, तो हॉकी यहाँ पे, हॉकी यहाँ पे, हॉकी यहाँ पे, मतलब इस रीजन को क्या कीजिए, निकाल दीजिए। ठीक है, इस रीजन को आपको क्या करना है, निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ लिखा गया है कि फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले लेकिन हॉकी ना खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है जो हॉकी नहीं खेलेंगे। तो हॉकी नहीं खेलेंगे वैसे कितने विद्यार्थी है, ध्यान से देखिएगा, वैसे कितने विद्यार्थी है, 13 विद्यार्थी। इस रीजन में कितने विद्यार्थी आते हैं, इस रीजन में 13 विद्यार्थी। तो 13 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि केवल फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया, ये शायद 29वां क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, शायद मैंने नंबर में कुछ गलत किया, ये क्वेश्चन नंबर 30 होना चाहिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है कि दिया गया वेन डायग्राम आपके सामने है और खेल वरीयता, मतलब ए जो है बैडमिंटन, बी जो है बास्केटबॉल, सी जो है टेनिस को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे बना लेते हैं, फिगर ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी नाम दे दिया हमने। अब यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे ए, ए जो है किस खेल को दिखा रहा है, बैडमिंटन, तो बी एम लिख लेते हैं बैडमिंटन। बी जो है वो बास्केटबॉल को दिखा रहा है, तो बी बी लिख लेते हैं बास्केटबॉल। और सी जो है वो कौन से खेल को दिखाता है, टेनिस को दिखाता है, तो टी लिख लेते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग को क्या करना है, आगे ध्यान दीजिएगा कि आगे क्या करना है। तो कितने छात्र बैडमिंटन या बास्केटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन या बास्केटबॉल खेलते हैं, यही बोला गया है, या बोला गया है, हाँ या बोला गया है। तो जब यहां बोला गया है तो हम क्या करेंगे, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन हो जाएगा 13 छात्र, ओनली बैडमिंटन 13 छात्र। बास्केटबॉल हो जाएगा 12 छात्र, जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 12 लिखा गया है दोनों में कॉमन। ठीक है, और 12 छात्र जो है यहाँ पे बास्केटबॉल खेलते हैं, तो 12 छात्र हो जाएगा बास्केटबॉल, मतलब ये 13 प्लस में 12 प्लस में 12 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37। 37 लोग ऐसे हैं जो कि बैडमिंटन या तो बास्केटबॉल खेलते हैं, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 37। ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 31 को, इस क्वेश्चन को अभी हम हटा देते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 31 को बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया कि वेन डायग्राम में एक कक्षा में 3 विषयों का अध्ययन करने को दर्शाया गया, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी। फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले, जापानी ना पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ना चाहिए, ठीक है, फ्रेंच और स्पेनिश क्या होगा, पढ़ेगा, बट जापानी ना पढ़ने वाले, तो जापानी को अलग कर दीजिए, जो नीचे वाला सर्कल है वो अलग कर दीजिए। तो देखिए ये जो कॉमन है ना, ये फ्रेंच और स्पेनिश का रीजन है, ये जो कॉमन है ये फ्रेंच और स्पेनिश का रीजन है, तो हम लोग को केवल फ्रेंच और स्पेनिश को लेना था, तो ये 20 हो जाएगा। 20 छात्र ऐसे हैं जो कि फ्रेंच यूनियन स्पेनिश पढ़ते हैं, ठीक है, फ्रेंच और स्पेनिश केवल पढ़ते हैं। ठीक है, टोटल नहीं पूछा है, यहाँ पूछा गया फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पढ़ने वाले, मतलब यहाँ बोथ पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा गया है, बोथ पूछा गया है। तो 20 आपको कौन सा ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन नंबर सी में मिल गया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में भी आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है, आप सबको ऐड करके नहीं लिख देना है। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से, तो वेन डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाना है, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, बच्चे गलत भी कर देते हैं एग्जाम में,
और यहाँ का जो नंबर होता है फ्री का नंबर होता है वो आपका चला जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है कि फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी तीन भाषा है यहाँ पे, ऐसे कितने छात्र हैं जो स्पेनिश और जापानी का अध्ययन करते हैं, स्पेनिश और जापानी का अध्ययन करते हैं पर फ्रेंच का अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा स्पेनिश और जापानी तो सात ऐसे छात्र है, कॉमन देखिएगा सात है। कैसे, ये जो सर्कल है ना ऐसे करके ये बना हुआ है सर्कल, तो यहाँ पे देखिएगा इस वाले पोर्शन में सात है, ये स्पेनिश और जापानी में जो कॉमन है तो सात ऐसे लोग हो जाएंगे, मतलब सात। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सात। ठीक है, तो आसानी से आपने बना लिया। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा गया है कि MNL तीन खेल को दर्शाते हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताया जिन्हें एम और एल खेला मगर एन नहीं खेला। एम और एल में कॉमन क्या है, सात। उसी तरह क्वेश्चन है तो सात कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, एम एंड एल खेला, बाकी एन नहीं खेला, एन से अलग है ये। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों सबसे अच्छा है, एक क्वेश्चन आखिरी वाला मैं बताऊंगा तो उससे पूरा का पूरा वेन डायग्राम आप लोग सीख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, निम्न आरेख को ध्यान पूर्वक आप लोग को अध्ययन करना है। तो यहाँ इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया और एक सोशल साइंस हो गया। तो यहाँ चार सब्जेक्ट है और इसका मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, इसको थोड़ा समय जूम करूंगा ताकि आप लोग को समझ में ज्यादा अच्छे तरीके से आए। ठीक है, हाँ देखिए, अब यहाँ लिखा गया है कि उन छात्रों की कुल संख्या क्या होगी जिन्होंने अंग्रेजी या गणित या सामाजिक विज्ञान लिया है। तो यहाँ पे क्या करना है, जिन्होंने अंग्रेजी या गणित या सामाजिक विज्ञान, या जब पूछा जाएगा तो सबको ऐड कर देंगे, जब एंड पूछा जाएगा तो बोथ होता है। एंड का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंड का मतलब क्या होता है, बोथ होता है। एंड का मतलब बोथ होता है, मतलब बोथ में जो कॉमन आएगा, और या जब पूछा जाएगा तो ऑल ऐड कर देंगे, मतलब सबको प्लस कर देंगे। तो इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे या बोला गया है अंग्रेजी या गणित या सामाजिक विज्ञान, तो अंग्रेजी देखिएगा, अंग्रेजी में 16 वाला ऑनली वाला भी आ जाएगा। ठीक है, 16 ऑनली वाला भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इंग्लिश मैथ्स SST। ठीक है, ये आपको दिख रहा है इंग्लिश मैथ्स SST लिखा है ना, सामाजिक विज्ञान, तो 16 हो गया। 9 भी आ जाएगा जो कि मैथ्स है 9 में, और सामाजिक विज्ञान वाला 19 भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो 19 आ ही जाएगा, इतना तो हमने लिख लिया। प्लस में अभी और भी जाएगा, प्लस में अब जो है यहाँ साइंस वाला पोर्शन को निकाल देंगे, तो साइंस वाला पोर्शन को निकालेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 14 दोनों में कॉमन है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में कॉमन है। और उसके बाद 15 भी आ जाएगा। ठीक है, 15 कहाँ पे कॉमन है, 15 तीन में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, साइंस को छोड़ के देखिएगा, 15 यहाँ पे साइंस को छोड़ के है। ठीक है, 19 तो मैंने लिख दिया है, 18 मैंने शायद नहीं लिखा गया, 18 भी हो जाएगा इसी में। ये 18 जो आपको दिख रहा है, 18 साइंस को छोड़ के जो भी है वो सब लिखना है। ठीक है, 14 मैंने शायद लिख दिया है, और यहाँ पे 14 मैंने लिख दिया। यहाँ पे ध्यान से आपको देखना होगा, 13 भी लिखा है, 13 नहीं लिखा है मैंने, 13 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, 19 20 से साइंस के पास है। ठीक है, 20 वाला नहीं जाएगा, साइंस वाला हिस्सा को निकाल देना है। हम लोग को क्या देखना है, जिन्होंने अंग्रेजी या गणित या सामाजिक विज्ञान, मतलब जो मैथ्स इंग्लिश मैथ्स और SST में जो कॉमन है केवल उसी को लिखना है, बाकी किसी को नहीं लिखना है। तो 20 भी उसी में आ जाएगा, साइंस वाला भी हिस्सा आएगा, क्योंकि साइंस वाला जो कॉमन हिस्सा है वो तीन सब्जेक्ट भी पढ़ता है, प्लस में 13 एक बार और आ जाना चाहिए। ठीक है, 13 एक बार और आ जाएगा, और 18 भी इंग्लिश के पास है एक। ठीक है, 18 भी इंग्लिश के पास है, और यहाँ पे 16 भी देखिएगा, 16 भी SST के पास है, 16 भी SST के पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसको ऐड कीजिए, देख लीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, टोटल ऐड करके मतलब कॉमन वाला हिस्सा लिखना है आपको। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, 16 9 19
ये 183 आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा ऐड करके 183 आना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें ऐड कीजिएगा तो 183 मतलब ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, ठीक है। जहां भी आपको इंग्लिश मैथ्स एसएसटी वाला कॉमन सर्कल मिलेगा सबको लेके लिख देना है, ऐड कर देना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 34वां क्वेश्चन भी हमने बना लिया, ठीक है, 183 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 183 ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हटाना होगा और क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। 35 में क्या पूछा गया है कि नीचे दिया गया वेन डायग्राम है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्योंकि अब क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा, देखिए वेन डायग्राम दिया गया है जिसमें स्टूडेंट है 40 स्टूडेंट पहले लिखा गया है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल और हॉकी तीन गेम खेलते हैं। अब यहाँ लिखा गया है कम से कम एक खेल पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी गेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कम से कम एक गेम पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 40 हो जाएगा, ठीक है, कम से कम एक सबको ऐड कर दीजिए, पूरा जो वेन डायग्राम में जो भी डेटा है ना, 10 प्लस में 1, 10 प्लस में 10 प्लस में 1 प्लस में 6 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 9 सबको ऐड कीजिएगा, 40 ही आ जाएगा। तो 40 ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 40 आपका आंसर हो जाएगा, पूरा जो सर्कल का डाटा है सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम किया जा सकता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को जूम किया जा सकता है। देखिएगा यहाँ पूछा गया है कि 5000 की आबादी वाले, क्वेश्चन नंबर 36 पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ मैंने लिख लिया। अब यहाँ पूछा गया कि 5000 की आबादी, ये टाइप को चेंज कर लीजिएगा, ये मेरे हिसाब से टाइप 3 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिएगा 5000 की आबादी वाले एक कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं, 3200 लोग चाय पीते हैं, तो चाय का एक सर्कल बना दिए। उसके बाद यहाँ पे 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 लोग कॉफी पीते हैं, 2500 लोग क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ये टी हो गया और ये कॉफी हो गया, ठीक है, चाय और कॉफी हो गया। उसके बाद 1500 लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, ठीक है, टी हो गया कितना, 3200 लोग, कॉफी कितना हो गया, 1500 लोग, ठीक है, उसके बाद नहीं 2500 लोग कॉफी हो गया, 2500 लोग, ठीक है, उसके बाद यहाँ 1500 लोग चाय और कॉफी बोथ, बोथ कितना हो गया, बोथ यहाँ पे हो जाएगा 1500 लोग, ठीक है। अब उनमें से कितने लोग ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं, तो अब एक काम कीजिए, जो बोथ वाला है उसको बीच में, तो 15 लिखते हैं, 100 बाद में लगा लेंगे, और यहाँ पे 32 है ना, 3200 है, तो टी में से 15 में से यहाँ क्या करेंगे, 32 में से यहाँ कल ऑनली टी निकालेंगे, अगर ऑनली टी अगर हम लोग निकालेंगे ऑनली टी, तो वो क्या हो जाएगा, 32 में से 15 जाएगा, तो 32 में से 15 जाएगा तो केवल टी का बचेगा 17, ठीक है, केवल टी का बचेगा 17, ठीक है। उसके इसी हिसाब से कॉफी में से घटाएंगे तो केवल 10 बचेगा, ठीक है, 10 प्लस में 15 25 15 प्लस में 17 32, तो ये आ गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया है क्या कि उनमें से कितने लोग ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं, तो अब आपको बताना है कि ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, तो इन तीनों को ऐड कीजिए, तो 17 प्लस में 15 प्लस में 10 कितना आ जाएगा, तो 42 आ जाएगा, ये 42 आ गया, ठीक है, 42 लोग चाय कॉफी पीते हैं। अब दोनों में से कुछ नहीं पियेंगे तो 50 में से क्या कीजिए, 42 को घटा लीजिए, मतलब 8 हो जाएगा, अब उस पर 2 जीरो लगा लीजिए, तो 800 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ नहीं पीते हैं, नाइदर, मतलब 800 लोग क्या है, नाइदर वाले हैं, 800 लोग क्या है, नाइदर वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन दोस्तों आसान है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आसानी से बनाया जा सकते हैं। अब दोस्तों आखिरी क्वेश्चन को देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, मैंने जूम कर दिया, तो इस क्वेश्चन को या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को जैसे मैं बताऊंगा तो क्वेश्चन को हाइड कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि यहाँ पे टोटल 60 स्टूडेंट है, 60 छात्र के एक समूह में 25 क्रिकेट खेलते हैं, 30 फुटबॉल खेलते हैं, 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, 10 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 9 छात्र
क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं और 12 छात्र वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, 5 छात्र तीनों गेम खेलते हैं। अब इन पे 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कितने छात्र कि कोई गेम खेल नहीं खेलते हैं और कितने विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलते हैं, ये आपको बताना है। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखेगा। इन ए ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 30 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 24 स्टूडेंट प्ले वॉलीबॉल और 10 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड क्रिकेट एंड फुटबॉल, 9 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, 12 स्टूडेंट प्ले वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, 5 स्टूडेंट प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। देन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट प्ले एनी स्पोर्ट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑनली क्रिकेट, ठीक है, केवल क्रिकेट वाले। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने डेटा लिखा गया है, तो डेटा को ध्यान से देखिएगा। डेटा मैंने पहले से लिख लिया है। यहाँ पे देखिएगा, टोटल स्टूडेंट 60 है, फुटबॉल खेलने वाले 30 है, क्रिकेट खेलने वाले 25 है, वॉलीबॉल खेलने वाले यहाँ पे 24 है, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले 10 है, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने वाले 9 है, और वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलने वाले 12 है, ऑल 3 गेम खेलने वाले 5 है। तो सबसे पहले ऑल को बैठाइए, जो ऑल होता है सबसे पहले इसको बैठाया जाता है जो तीनों में कॉमन होता है। उसके बाद आएंगे बोथ पे, उसके बाद क्या आते हैं, सबसे पहले ऑल आएगा, उसके बाद आएगा बोथ, और उसके बाद क्या आएगा, ऑनली आएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये क्या है, एक फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिए, वेन डायग्राम बनाने का यही एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वॉलीबॉल आपको निकालना है, तो वॉलीबॉल नहीं, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ क्रिकेट हो गया, ये फुटबॉल हो गया, ये वॉलीबॉल हो गया। अब क्रिकेट और फुटबॉल का देखिएगा, क्रिकेट और फुटबॉल यहाँ पे है, तो यहाँ पे 10 कॉमन है, तो यहाँ पे केवल 5 लिखेंगे, क्योंकि ये 5 प्लस में 5 10 हो जाएगा, ठीक है। जो ऑल होगा ये इस बोथ में से क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना, बोथ में से क्या घटेगा, बोथ में से क्या घटाते हैं, ऑल को घटाते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये भी एक तरीके का फॉर्मूला हो गया कि बोथ में से क्या करेंगे, ऑल को घटाएंगे। क्रिकेट और वॉलीबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल में यहाँ पे है 9 लोग हैं, तो यहाँ 4 लोग होगा, क्योंकि 5 प्लस में 4 9 हो जाता है। उसके बाद वॉलीबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल, तो वॉलीबॉल यहाँ पे है, फुटबॉल यहाँ पे है, तो इनमें 12 लोग हैं, तो यहाँ 7 लोग हो जाएंगे, ठीक है, तो बोथ वाला काम खत्म। अब ऑल ये सब हमने लिख लिया, ये चारों डेटा नीचे से लिख लिया है, अब ऊपर से लिखिए, फुटबॉल 30 लोग, तो पहले इनको ऐड करना होगा, या क्रिकेट, हाँ फुटबॉल का पहले ऐड कीजिए, 5 प्लस में 5 10 प्लस में 7 17, 17 को 30 में से घटाइए, 30 में से 17 को घटाइएगा, तो ऑनली का निकल जाएगा, ऑनली ऑनली आपका निकल जाएगा। ऑनली कैसे निकालेंगे, 30 में से क्या करेंगे, 17 को घटा देंगे, 5 प्लस में 5 प्लस में 7 बोथ ऑल वाला ऐड करेंगे, रिमेनिंग में से घटा देंगे, तो 13 लोग ऑनली फुटबॉल खेलते हैं। उसी तरह से 5 प्लस में 5 10 4 14 14 लोग इसमें से घटाएंगे, तो 11 लोग ऑनली क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद इसी तरह 5 प्लस में 9 9 प्लस में 7 16 16 24 में से घटाएंगे, तो 8 लोग ऑनली वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बना दिया। अब इसमें पूछा गया कि पहला क्वेश्चन आपको ध्यान में होगा, पहला क्वेश्चन होगा कि कोई गेम खेलने वाले नहीं बच्चे हैं, जो बच्चे कोई गेम नहीं खेलते हैं, तो सबको ऐड कीजिए, तो 11 5 16 16 11 5 सबको पहले इसको ऐड कर लीजिए, 5 5 10 10 4 14 21, ये टोटल 21 हो गया। अब ऑनली वाला देखिएगा, 11 13 24 और 8 32, ये हो जाएगा 53। अब 60 में से 53 को घटा लीजिए, टोटल है जो स्टूडेंट है 60 है, और 53 बच्चे कोई ना कोई गेम खेलते हैं, तो 7 लोग ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का नाइदर, मतलब नाइदर कोई गेम खेलने वाले बच्चे हो जाएंगे 7 लोग, ठीक है, नाइदर वाला हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जगह है हमारे पास शायद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑनली क्रिकेट बोला गया था, मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2, कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो ये आपको क्लियर यहाँ दिख रहा है कि क्रिकेट कितने खेलते हैं, 11 11 विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, 11 विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वेन डायग्राम में, जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में बता दिया। इससे परफेक्ट वीडियो अब आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इस पूरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया, ठीक है। तो वेन डायग्राम दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्कोरिंग टॉपिक है आपके रेलवे के एग्जाम में, 2 से 3 नंबर या 4 नंबर भी फिक्स कर देगा ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से देखिएगा, और इन 38 क्वेश्चन को
37 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आपका कभी भी कोई भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।